जो फिजूल में ना घूमता है ना किसी को घुमाता है, जो पर स्त्री गमन नहीं करता पर पुरुष गमन नहीं करता, जो दुष्ट पापियों से दोस्ती नहीं करता, और जो मद्यपान नहीं करता, कोई नशा नहीं करता, और जो दंभ नहीं करता, और जो चोरी नहीं करता, चुगली नहीं करता। देखो ये सात बातें हो गई। यस्य सुखी सदैव, वो सदैव सुखी रहता है। सुख चाहते हो और मदिरा पीते हो, क्या सुख इतना सस्ता है जो शराब की एक बोतल से मिल जाएगा? और याद रखना, सुख पैसे से कभी मिलता ही नहीं। पैसे से केवल सामान मिलता है, वस्तुएं मिलती है, मकान मिलता है, दुकान मिलती है, गाड़ी मिलती है, साड़ी मिलती है, घड़ी मिलती है। पैसे से दुनिया भर की चीजें मिल जाती है, लेकिन पैसे से सुख कभी मिलता ही नहीं। तो क्या करोगे? पैसा सब फेंक दो। कहां फेंकोगे? मैं भी फेंकू, तुम भी फेंको। पैसा ये बंदर भी नहीं ले जाएंगे, न चिड़िया ले जाएंगे, कुत्ते भी नहीं लेंगे। पैसा फेंकना नहीं है। शरीर के लिए पैसे की जरूरत है, परिवार के लिए पैसे की जरूरत है, व्यवस्था के लिए पैसे की जरूरत है, जीवन निर्वाह के लिए पैसे की जरूरत है, सिटिंग मैनेजमेंट एंड अरेंजमेंट सेटलमेंट के लिए पैसे की जरूरत है। पैसा आपके शरीर को फैसिलिटी दे सकता है, लेकिन पैसा आपके जीवन को सुख नहीं दे सकता। किसी को सुख नहीं मिला। पैसा लूटने वाला सुब्रत राय सहारा कंपनी का मालिक, जिसने पैसा बहुत लूटा, गरीबों को दुखी कर दिया, सबका पैसा अरबों खरबों मार लिया, सहारा इंडिया के नाम से चलाया था कंपनी। और मैं तो कहता हूं, जितनी कंपनी चलती है इसके पीछे सरकार की बहुत बड़ी गलती है। जो कंपनी चलेगी, सरकार में लिखा पड़ी होनी चाहिए, सरकार अपने नियम लागू कर देना चाहिए, और उस आदमी से कुछ एडवांस जमा कराना चाहिए कि अगर तेरी कंपनी डूब गई तो क्या होगा, और उसके पास में दो पुलिस वाले लगा कर रखना चाहिए कि भाग ना पाए बेईमान आदमी। कितनी कंपनियों ने गरीबों को और गरीब बना दिया है, अरबों लूटा है, और समाज भी बड़ा लालची है। वो सोचता है 10 रुपया दूं और कल सुबह 10,000 मिल जाए। कितने लालची लोगों के घर में लुटेरे आए और बोले कि अगर सोना को दुगना करवाना है तो अपने घर का सोना दे दो और ये 15 दिन बाद दुगना करके हम ला देंगे। महिलाएं इतनी बुद्धू है, सब सोना दे दिया, दुगना करवा रहे। 20 साल हो गए, अभी दुगना हुआ ही नहीं, वो आदमी भाग के पता नहीं कहां चला गया। इस लालच में भी मत पड़ो। कितने साधु भी इसमें ठगाए हैं। साधु भी बहुत मूर्ख होता है, वो भी उस कंपनी में दांव लगा दिया है। एक बार ठगाया, फिर दोबारा फिर लगा दिया, दोबारा ठगाया, तिबारा फिर लगा दिया। जो मिला था 10-20 हजार निपट गया। साधुओं में भी मूर्खता भरी हुई। लालच कभी मत करो। लालच बुरी बला है, और आ बला पकड़ गला नरक में ले चला। सब होगा, धीरे धीरे होगा। धंधा करिए, बिजनेस करिए, जमीन खरीदिए, जमीन बेचिए, जमीन 10 लाख की खरीदिए, 12 लाख की बेचिए, दुकान बनाइए, 1 करोड़ की बनाइए, 1.5 करोड़ की बेचिए। बहुत धंधे हैं। खेत में खूब टमाटर बोइए, 200 रुपये का टमाटर का बीज आज के 20 साल पहले हमारे छोटे गुरु ने मंगाया था तो केवल 20 बीज आए थे, 20 बीज बोया गया, 200 उग गए।
एक एक टमाटर में, पेड़ में एक एक कुंटल टमाटर आया। अब वो टमाटर कहता था कि मेरे को डंडा लगाकर सीधा करो। टमाटर लाठियां मांग रहा था, बांस मांग रहा था कि मेरे चारों तरफ कोई डंडा गाड़ो, रस्सी से मुझे बांधकर ऊपर बढ़ाओ, फिर मैं 5 कुंटल टमाटर दे दूंगा। वो 20 पौधों से इतना टमाटर हुआ, इतना हुआ कि जब सब्जी बनती थी तो पेवर टमाटर सब लाल रंग हो जाता था, याद है मुझको। धन कमाना चाहिए, धनवान बनना चाहिए, और धन बचाना भी चाहिए, और धन को सही जगह खर्च करना भी चाहिए, और धन थोड़ा दान भी करना चाहिए। क्योंकि धन जब दान करोगे तो ऐसे कलाकार, सलाहकार और महान गुरु की शरण में पहुंचोगे, फिर वो तुमको अपनी वाणी से इतना खिलाड़ी बना देगा कि संसार की अखाड़े में तुम कभी हारोगे नहीं, हमेशा जीत हासिल करोगे। बोली सदगुरु भगवान की जय हो। आज आप देख रहे थे एक भक्त जिला चंदौली से आए हुए, श्री अभिषेक गौड़, श्रीमती ब्यूटी देवी गौड़। एक मुसलमान से हिंदू ने पूछा, तेरा क्या, कौन जाति है? बोला हिंदू। बोला हिंदू में कौन? बोला ब्राह्मण। बोले ब्राह्मण में कौन ब्राह्मण? बोला गौड़। तो फिर पूछा, गौड़ में कौन गौड़? तो बोला, या अल्लाह, गौड़ में भी कुछ और। तो गौड़ में कुछ और नहीं बस। तो ये हमारे भक्त हैं अभिषेक गौड़। आज उत्तर प्रदेश का सम्मान इन्होंने बढ़ा दिया है, ब्यूटी गौड़ ने। इनका बेटा है छोटा सा, उसने कहा कि मैं अलग गुरु जी के लिए डिब्बा में दान रखूंगा, छोटे बेटे को यहां लाओ। कहां है? कहां गए? हाँ, जो पिताजी साथ में आ जाए, मम्मी भी आ जाए। ये देखो, इसको प्रातः वंदना याद है, संध्या वंदन याद है, आरती सब याद है, मंत्र वंत्र याद है। कितना छोटा है, उधर मुंह करो, हाथ जोड़ो। और ये इनके पिताजी, कोई जन्म के पुण्य इनके बहुत होंगे जो इस तरह का बेटा जन्म लिया। नहीं तो कहीं वंदना करता बेटा, उपद्रव मचाता। ये ऐसा, तो इसने जो अलग से दान डाला डिब्बा में, तो डिब्बा भर गया। बाबा लोग डिब्बा जो देते हैं ना, बहुत छोटा डिब्बा है। कहाँ है डिब्बा? कोई है डिब्बा? दिखा दो डिब्बा, घी का डिब्बा मत लाना। तो इन्होंने फिर थैली में रखा है, उसको हंसी आ रही, गुरुजी मजा कर देते। मैं बोला घी का डिब्बा मत लाना। उस डिब्बे में जब भर गया तो फिर थैली में भरा, झोलम भर के लाए, वर्षा किया था मैं। इस बच्चे का दान 11,840 रुपया निकला। सोचिए 11,840 निकला बच्चे का दान। हर माँ बाप बच्चे को कुछ पैसे देते हैं, कुछ बच्चे टाफी खाते हैं, कुछ और कुछ गड़बड़ मचाते हैं, लेकिन उसका गुरु से कितना प्रेम है जो इतना बड़ा दान दिया है उसको। ये डब्बा देखो, ये डब्बा सत्संग में मिलता है, ये 60 रुपये का आता है, 50 रुपये का यहाँ मिलता है, 10 रुपये कीमत घट जाती है, हम घटा देते हैं। आज जब इनका दान देखा तो मैंने प्रबंधक से कहा, रूपेश दास खड़े हुए, ये दिल्ली से डब्बा मंगाते हैं, तो हमने कहा डब्बा बड़ा मंगाओ, भले वो 80 रुपये का आए चाहे 90 का आए, और 50 में ही भक्तों को दे देना है, ये छोटा है ये भर जाएगा। एक साधु हलवा बट रहा था तो हलवा लेने आया, तो उसका जो कटोरा था बहुत बड़ा था, तो देने वाले ने 2 करछुल हलवा दिया, तो साधु ने कहा इसको भर दो आप।
तो उसको भरा तो उसमें 1 किलो भर गया था। तो हमने कहा तूने क्यों भरवाया इतना? बोला सुबह खाऊंगा, दोपहर में खाऊंगा, रात में फिर खाऊंगा। तो हमने कहा बड़ा लालची है तो। बोले हम इसीलिए साधु बने, हमका मोक्ष मिले जहन मिले हलवा मिले बस। कितना साधु तो खाने मान आदमी है। और याद रखना, खाने के लिए साधु नहीं बनना चाहिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए साधु बनना चाहिए। हाँ हलवा खाना मना नहीं, लेकिन लिमिट में खा लीजिए। तो अब इन्होंने अब कुंभ मेला की 2 रसीद ले गए थे। कुंभ के प्रबंधक जी आए, रसीद दिखाए, बड़ी रसीद ले आई, जो नई रसीद, देखो रसीद ले गए थे, 4 ले गए थे। कितनी? 4। मेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है ऐसे भक्तों को देख करके, तुमको देख करके, ये कुंभ मेला नहीं, हर बार जब कुंभ आएगा 6 साल बाद 4 साल बाद कुंभ कर सकते हैं। जय जय हो, जय जय जय। रामचंद्र भगवान सीता का हरण हुआ, लेकिन सीधे लंका पर आक्रमण नहीं किया। सबसे पहले ढूंढा किधर है सीता जी, शिवरी कुटिया पर गए। शिवरी जंगल का सब हाल जानती थी, वहां से कुछ रिपोर्टें मिली, हनुमान जी से मिले, हनुमान जी ने सुग्रीव से मिलाया। सुग्रीव को तंग कर रहा था बाली, उसका वध किया, सुग्रीव की सेना मिली। और जब बाली मरने लगा तो अंगद का हाथ पकड़ा दिया कि भगवान मुझे आपने मारा है, ये दुनिया कहेगी, लेकिन सच में आपने मुझ पापी की आत्मा को तारा है, तार दिया। मैं अपने बेटे का हाथ पकड़ाता हूं, अब इसकी रक्षा सुरक्षा मार्गदर्शन संस्कार आप देना, ये बेटा आपका है, इसको संभालना, मैं तो जा रहा हूं, अब तुम ही इसके बाप हो। भगवान की आंखों में आंसू आ गए और अंगद को संभाला उन्होंने, अंगद साथ रहे। जब अंगद मिल गए, हनुमान मिल गए, हनुमान मिले तो बानर सेना, बानर यूथ मुख्यम मनोजवम मारुत वेग तुल्यम, हनुमान जी की सेना, बानर सेना के मुख्यमंत्री थे, और सुग्रीव राजा थे, तो धन भी मिला उनको और सेना मिली, और इदामवंत रीछों के मुखिया थे, वो भी साथ में आ गए। सारे जंगल वासियों को जोड़ने के बाद, मोड़ने के बाद, मिलने के बाद, संगठित करने के बाद रामा दल तैयार हुआ। उसके बाद भगवान स्वयं नहीं गए, पहले अंगद को भेजा, उसके बाद हनुमान को भेजा, उसके बाद कहा सेतु बंध बनाइए। भगवान की हिम्मत बढ़ गई कि अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में समस्त वनवासी है, और ये वनवासी ही लंका को जीतेंगे। चलकर बजा डंका, मिटा शंका, लंका पे चढ़ जाओ वीरों। भगवान ने कहा बजाओ डंका, मिटाओ शंका, और लंका पे चढ़ जाओ वीरों। इसी प्रकार से ये कुंभ मेला ये लंका की चढ़ाई नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा प्रबंधन है। अब आप लोगों का प्रेम स्नेह और इस तरह से दिया गया बच्चे का दान देख करके मेरी हिम्मत बढ़ गई है कि अब कुंभ मेला में मैं जाऊंगा, और अगला कुंभ जहां होगा, चाहे हरिद्वार में हो कहीं हो, वहां भी कैंप लगा दूंगा और सबकी सेवा करवा दूंगा। धन आपका है, अन्न आपका है, मैनेजमेंट हम लोगों का है। मैनेजमेंट संत करेंगे, और संतों का मैनेजमेंट मैं करूंगा, और कुंभ मेला का भंडारा होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात, ये देखो ऐसी सेवा रसीद ये ले गए थे, ये भैया अभिषेक गौड़। प्रोग्राम भी करेंगे अगले साल, इच्छा है प्रोग्राम,
और ये काट कर लाए हैं छोटी टुकड़ी हमारे पास, और बड़ा जिसने दान दिया। इसमें दो रसीद इन्होंने सेवा रसीद कटिंग किया है, 7182 की राशि लाए हैं। ताली बजा दो इनके लिए। और ये सेवा रसीद मैं चाहता हूं, आपका पंथ कोई हो, मजहब कोई हो, एक मुस्लिम भाई ने 501 रुपया हमारे पेफोन में भेजा, 6262121 पर, मुसलमान, उसमें लिखा था अब्दुल रहमान खान कुछ। तो हमने कहा अरे मुसलमान जब सेवा में लग गया अब ये रामादल तैयार हो गया है। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और गुप्ता जायसवाल बंसवार यादव निशांत मौर्य लोधी लोनिया धाकड़ नागर पटेल, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। आप कोई भी है, जब आप टमाटर बोते हैं बाजार में सब लोग आपका टमाटर खरीद कर सब्जी बनाकर खाते हैं, तो किसी का भी हो बाबा स्वीकार करके बड़ा भंडारा करके सबको खिला देंगे। मुसलमान 1,00,000 रुपया भेज सकते हैं, 10,00,000 भेजो। पंजाबी, एक पंजाबी ने अमेरिका से भेजा है दान, कुंभ में एक दिन उसका भंडारा होगा, 2,00,000 भेज देगा, पूरा एक दिन का खर्चा। पंजाबी है, 10,00,000 तो हमारे आश्रम की फर्श लगाने के लिए भेजा था, अब उनका शरीर छूट गया, कमजोर बहुत थे। उनकी पत्नी सुखजिंदर कौर, ये देखो परिवार दिख रहा है, ये है करनेल सिंह और पत्नी सुखजिंदर कौर, पूरा परिवार टीवी में दिख रहा है। वो मेरे को दिखेगा, तुम्हारे सामने टीवी नहीं है, इधर, हाँ इधर देख लो मुड़ के देखो। ये अमेरिका कैलिफोर्निया में रहते, एक दिन भंडारा इनका होगा। जगदीश भाई पटेल वही कैलिफोर्निया अमेरिका, एक दिन उसका होगा। 5 दिन का भंडारा करने के लिए लोग सेट हो चुके हैं। भंडारा के अलावा भी बहुत सेवा है, कम से कम 2,000-4,000 रजाई बनेगी, 2,000-4,000 गद्दे बनेंगे, और कम से कम, तो मेरे को मालूम नहीं था पत्तल की कीमत क्या होती, साधु से पूछा, बोला 1 रुपये का पत्तल आता है वो सबसे रद्दी, और 2 रुपये का आता है भद्दी, और 5 रुपये का आता है बिल्कुल गद्दी, और 7 रुपये का आता है, क्या बात है, लगता पत्तल ही खा ले क्या। तो मैंने सोचा अरे 50,000 लोग भोजन करेगा, अगर अपन 3 रुपया वाला पत्तल लिया तो 1,50,000 तो पत्तल का होगा रोज, और 2 महीने चला दिया तो पता चला उसी में इंतजाम पूरा हो गया, तो क्या करूं। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि मेरे पास में थाली कुछ है, कुछ थाली दान आ जाएंगी, 500 थाली तो है, और थाली ले लेंगे और थाली में खिलाएंगे, और माताओं से निवेदन कर देंगे, एक एक माता 100-100 थाली मांझ दो, धो देगी, 100 की ड्यूटी रहेगी, 100 मांझ के रख दो, भोजन कर लो, मुंह धो लो, पांव धो लो, फिर गुरु पांव छू लो और बता दो थाली धो दिया और कुछ धोना। तो गुरु बोलेगा अब तुम्हारा मन हम धो देंगे, तो हम तुम्हारा मन धो देंगे। देखिए थाली मांझना बड़ा पुण्य का काम है, जितनी छोटी से छोटी सेवा होगी उतना ही बड़ा से बड़ा अहंकार गल जाएगा, मिट जाएगा। महेंद्र सिंह भंगू सरदार हमारे आश्रम आए, बोले गुरुद्वारा में जाता हूं, 1,400 एकड़ जमीन का मालिक हूं, कनाडा में बेटा है, लेकिन बर्तन मैं मांजता हूं, धोता हूं, और सब पंजाबियों से कह देता हूं बात करना मना है, सेवा करना शुरू, बातें मत करो, गप्पा मारते बैठ के चलो जुटो। बोले हमारे गुरुद्वारा में कभी गरीबी नहीं आई, जहां शरीर से सेवा लोग करते हैं वहां से गरीबी 1,00,000 कोस दूर चली जाती है, और जहां गप्पा मारते हैं तो वहां दरिद्र बप्पा बनकर बैठता है।